बंद करो, बंद करो। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ भैया? कहाँ भैया? दिल्ली है। ये हमारे टॉपर के आंसर थे। पटवारी परीक्षा से जुड़ा मामला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पुराने रिजल्ट के मान होने पर कई छात्र नाराज हैं, जिस वजह से वे आज फिर से सड़कों पर उतर आए। हाल ही में पटवारी परीक्षा घोटाला सामने आया था, जिसका शुरुआत से ही जमकर विरोध किया जा रहा है। अब इस मामले में जांच की जा रही है। इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने को लेकर आज इंदौर में छात्रों ने पैदल मार्च निकाला, जिसमें सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। फर्जी भर्तियों के खिलाफ इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की भी मांग की जा रही है। सोमवार को छात्रों ने भोलाराम गेट से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में सभी मौजूद रहे और सभी अपनी मांग को प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के चलते सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी मौजूद है। इस आंदोलन को लेकर नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन NEYU ने सोमवार को सभी जिलों में कलेक्टर को मांग पत्र से जुड़ा ज्ञापन दिया, जिसमें छात्रों ने सोमवार को प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। इस मांग पत्र में 7 मांगे की गई। पटवारी परीक्षा में सरकार ने नियुक्ति देने का जो निर्णय लिया है, उसे तात्कालिक रोका जाए और वर्मा कमेटी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। पटवारी परीक्षा घोटाले की जांच नए सिरे से मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में SIT का गठन करके की जाए। MPSI के 2000 पदों पर भर्ती की जाए, साथ ही ESB द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी हो। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नकल विरोधी कानून को मध्य प्रदेश में तत्काल लागू किया जाए। ESV की परीक्षाएं प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा आयोजित की जाए। MP कांस्टेबल एवं ESB द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के रुके हुए परिणाम अति शीघ्र जारी करके नियुक्ति दी जाए। साथ ही MPPSC से जुड़ी भी मांगे की गई। वहीं दूसरी तरफ सरकार 1 मार्च को सिलेक्टेड पटवारियों को नियुक्ति पत्र देने जा रही है। इसके लिए 24 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इस दौरान किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, उसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या सरकार अपने फैसले पर टिकी रहती है या फिर इस आंदोलन का कोई असर होता है। देखते रहिए द सूत्र।